किसी कवि ने क्या खूब कहा है कि नारी नहीं नारंगी, नारंगी नहीं सब रंगी है, ढके तो सब करुमा, ढके नहीं तो नंगी की नंगी है। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाला हूँ वह बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वह कभी भी अपनी जीवन में धोखा नहीं खाता। इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई बदलाव ला सकते हैं। जो भी स्त्रियां इस कहानी को सुन रही हैं वह अपने ऊपर कभी ना ले, क्योंकि इस संसार में कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जो सुंदर व सुशील स्त्रियों को भी बदनाम कर देती है। आप इस कहानी को पूरा सुनना, तभी आपको इस कहानी का मतलब समझ में आएगा। शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह राजा बहुत ही धर्मात्मा राजा था। उसकी राज्य की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 12 या 13 वर्ष होगी। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार का उम्र मात्र 14 वर्ष था, तभी उसकी शादी कर दी। राजा भी बूढ़ा हो चुका था और एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजा ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में यही नियम था कि राजा जितनी चाहे उतनी शादी कर सकता था। वह राजा अपने पुत्र को राजा बना देता है। उसकी शादी हो चुकी थी और एक नहीं राजकुमार की 7-7 शादियां हो चुकी थी। राजकुमार की भी 7 रानियां आई हुई थी। वह राजकुमार जो कि राजा बना था, जो कि अपना पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था, वह रोज विद्यालय शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाया करता था। एक दिन की बात है, जब वह राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारिन मिली। वह पनिहारन भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारिन ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहाँ जाते हैं? वह राजकुमार कहता है कि मैं रोज पढ़ने के लिए विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूँ। तब पनिहारिन कहती है कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन यह बताइए कि आपने त्रिया चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है कि नहीं। पनिहारिन कहती है कि आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ो। राजकुमार कहता है कि यह त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारिन ने कहा कि आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और जाकर अपने गुरु से पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाई। इतना बात कहने के बाद वह राजकुमार वहां से चल देता है। पनिहारिन की बात सुनकर राजकुमार गुस्से में था, उसकी आंखें लाल थी। वह अपने गुरु को जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, आज तुम क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। राजकुमार ने कहा कि गुरुदेव, यह बात आपने मुझसे क्यों छुपाई? आपने त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे पढ़ाया क्यों नहीं? गुरु कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना खतरे से खाली नहीं होता है, और जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। राजकुमार कहता है कि गुरुदेव, इसकी चिंता आप ना करें, अपनी रक्षा हम स्वयं कर लेंगे, आप केवल मुझे त्रिया चरित्र पढ़ाइए। गुरु कहता है कि ठीक है। गुरु उसे त्रिया चरित्र पढ़ाने लगते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार के 1 साल हो गए, और जब 1 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, अब तुम अपने घर जा सकते हो और आराम से अपने राज्य को चला सकते हो, अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव। राजकुमार जैसे ही जाने को होता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा मैं तुम्हें ऐसा कुंडल देता हूँ, यह कुंडल जब तुम अपने कानों में लगाओगे तो तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन तुम उसे पहचान लोगे। राजकुमार वह कुंडल अपने हाथों में ले लेता है और गुरु ने कहा, इस कुंडल को ले जाओ और रात के 12 बजे आज ही के रात में अपने महल से निकल करके जंगल के तरफ जाना और पूरब दिशा की ओर जाना, और जब तुम पूरब दिशा की ओर जाओ तो यह कुंडल अपने कान में लगा लेना और वहीं पर खड़ा हो जाना। वह राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुवर, मैं ऐसा ही करूँगा।
वह कुंडल लेके अपने महल आ जाता है। जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस राजकुमार के सातों पत्नियां सो जाते हैं। आधी रात के समय वह राजकुमार अपने हाथों में कुंडल लेकर महल से जंगल की तरफ चल देता है। वह राजा जंगल की तरफ पूरब दिशा की ओर जाता है। वहां जाकर अपने कान में कुंडल लगा लेता है और वहीं पर खड़ा हो जाता है। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि वही पनिहारिन जो मुझे रास्ते में मिली थी, जिसने मुझसे कहा था कि तिरिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, कि वही पनिहारिन एक थाली में खाना लेकर आधी रात्रि को जा रही है। वहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वह पनिहारिन वही संत के पास खाना लेकर जा रही थी। राजा ने देखा कि ये तो वही पनिहारिन है जिसने मुझसे कहा था कि तिरिया चरित्र की पढ़ाई पढ़ो, लेकिन पनिहारिन उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि राजा के कानों में वह कुंडल लगा हुआ था। कुंडल लगाने की वजह से राजा किसी को भी पहचान सकता था। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो इसके पीछे चलते हैं कि यह आधी रात को भोजन लेके संत की कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। वह राजा भी उसके पीछे पीछे छुपता हुआ चल दिया। अब वह पनिहारिन उसी कुटिया में उस साधु के वहाँ पहुँचती है। उस बाबा के पास एक जादू की पोटली थी। वह बाबा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वह छुप करके देख रहा था कि वह पनिहारिन और बाबा क्या करेंगे। साधु ने उस पनिहारिन से कहा कि अरे पनिहारिन, पहले तुम मुझे यह बता कि आज आने में इतनी देर क्यों लग गई। हाथ जोड़कर वो पनिहारिन कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा गौना हो चुका है और हमारे पति हमें ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर कल चले जाएंगे, इसीलिए हमें उन्हें सुलाने में थोड़ी देर लग गई और यहाँ आने में भी देर हो गई। जब यह बात साधु ने सुना कि इसका विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो वह साधु कहता है कि हे पनिहारन, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो हमारे पास क्यों आई, चली जा यहाँ से। पनिहारिन कहती है कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके बिना नहीं जी सकती हूँ। तब साधु कहता है कि हे पनिहारिन, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकालता है और पनिहारिन से कहता है कि हे पनिहारिन, कि जाओ अपने पति के गर्दन काट कर यहाँ लेकर आओ। जाओ अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बन रहा है, तब मैं तुम्हें रखूंगा, तब मैं तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। बिना कुछ सोचे समझे वह पनिहारिन चाकू लेती है और दौड़ते हुए अपने घर जाती है और उसका पति सो रहा था। वह जाकर अपने पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति के मार करके उसकी गर्दन यहाँ लेकर आई है, तो साधु को बहुत गुस्सा आया। साधु ने उसे लात मारी और कहा, भाग जा यहाँ से, जब तू अपने पति की नहीं हो सकी जिसके साथ तूने फेरे लिए हैं, तो तू मेरी क्या होगी, जल्दी भाग जा यहाँ से। अगर तू मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। साधु की यह बात सुनकर उस पनिहारिन को ऐसा लगा कि जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गया हो, फिर भी अपने पति की कटी हुई गर्दन लेकर आई और उसकी गर्दन जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। और इधर जैसे ही सवेरा हुआ अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है, देखो देखो, किसी ने मेरी पति की हत्या कर दी। रात में उस पनिहारिन की सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले उस पनिहारिन की घर चले जाते हैं और उसके पति की लाश को लेकर गांव के बाहर चले जाते हैं उसका दाह संस्कार करने के लिए। और वह पनिहारिन भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा बन चुके थे। पनिहारिन रोती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी, मैं तो सती बनूंगी क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रही तो ऐसे जीवन की क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहता है, तिरिया चरित्र जाने ना कोई और कसम मार के सती होई। राजकुमार की यह बात और कोई तो समझ नहीं पाया, लेकिन वह पनिहारिन समझ जाती है। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर यह बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। पनिहारिन कहती है कि जाते जाते मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहते हैं, क्या बताओ। पनिहारिन कहती है कि राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठे तो उस चटाई को झाड़ कर बैठिएगा। राजा कहता है कि यह पनिहारिन क्या कह रही है, मैं तो राजा हूँ, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारिन कहती है कि नहीं, जब भी कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहने के बाद वह पनिहारिन अपने पति के साथ सती हो जाती है और राजकुमार उनका अंतिम संस्कार करवा के अपने घर आ जाते हैं। इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ और उधर जब दूसरी रात आई
अपने गुरु के कहे अनुसार वही कुंडल कान में लगाया और पूरब दिशा के ओर जाकर खड़ा हो गया। जहाँ की पिछली रात खड़ा हुआ था, दूसरी रात को राजकुमार ने क्या देखा कि उसकी सातों पत्नियाँ भोजन की थाली अपने अपने हाथों में लेकर उसी बाबा के कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपने सातों पत्नियों को उस कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उनमें से एक रानी राजकुमार को देख लेते हैं, लेकिन उन रानियों ने अपने पति राजकुमार को नहीं पहचान पाई, क्योंकि राजकुमार अपने कानों में कुंडल लगाए थे। वह कुंडल लगाने की वजह से राजा को कोई पहचान नहीं पाता था। उनमें से एक रानी कहती है कि हे लड़के, इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा है, चल हमारा यह थाली लेकर उस कुटिया तक पहुँचा दे। बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने वह थाली अपने हाथों में ले ली और अपने रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगा। जब वह सातों रानियां राजकुमार के साथ उस बाबा के कुटिया में पहुंचता है, राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार यह देखना चाहता था कि हमारे में और हमारे महल में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस बाबा के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारे सातों रानियां भी यहां आ रही है। वह राजकुमार छुप करके सब जानना चाहता था। इधर जब वह सातों रानियां राजकुमार को लेकर जब साधु के पास पहुंची, तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि ये कौन है। सातों रानियां कहती हैं कि महात्मा जी, यह बालक हमें रास्ते में मिला, इसने हमारी सहायता की, तो हम इसे अपने साथ लेकर आए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसे आज रात यहीं रहने देते हैं, कल सुबह होते ही यह चला जाएगा। वह साधु उनकी बातों को मान लेता है। वह साधु अपने एक शिष्य को बुलाता है और उसे कहता है कि जाओ आज के लिए इस बालक के रुकने के लिए व्यवस्था कर दो। वह शिष्य उस राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य कहता है कि देख भाई, आज तुझे यह चटाई पर सोना पड़ेगा। वह शिष्य राजकुमार को इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाता है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। फिर राजा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आज की रात हम चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार जैसे ही चटाई पर बैठने ही वाला था कि उसे पनिहारिन की वह बात याद आ गई। वह सोचने लगा कि पनिहारिन ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए, तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। चलो आज पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। जैसे ही राजा ने चटाई उठाई, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक बहुत बड़ा कुआं है। उसने जब उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुआं के अंदर झांक कर देखता है। राजा को अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं, जिन्हें वह साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उन कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। वह आदमी राजकुमार से कहता है कि राजकुमार, आप यहाँ कैसे आ गए। राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो, नहीं तो सब पोल पट्टी खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब, आप यहाँ से भाग जाइए, हम तो यहाँ से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो कि हमारा हुआ है। आप भी यहाँ फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर यह साधु इसी में डाल देगा, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाइए। राजा जब उस कमरे के अंदर गया था, तो अपने कान में से कुंडल निकाल लिया था, और जब राजा वहाँ से भागा तो अपने कान में कुंडल लगाना भूल ही गया था। राजा को भागते हुए उन रानियों ने और साधुओं ने देख लिया था। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा, तो रानियां कहती है, ये तो हमारे पति हैं। रानियां उस महात्मा से कहती है कि महात्मा जी, अब तो हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, ये तो हमारे पति है और वह भागे जा रहे हैं, उन्होंने हमें देख लिया है, अब हमारा क्या होगा। वह साधु कहता है कि तुम यहाँ क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़ कर लाओ। वह सातों रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ी दौड़ी जाती है, लेकिन वह राजकुमार वह राजा जो था इतना तेज भागा कि वह अपने महल जा पहुंचा। रानियां घबरा गई, रानियों के तो होश उड़ गई। रानियां फिर वापस उसी बाबा के पास आते हैं और बाबा से कहती है कि महाराज, अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे, हे महात्मा आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाके वह साधु उन रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम महल जाओ तो अपने पति को बहला फुसला कर उसके माथे में यह कील ठोक देना, यह जादुई कील तुम्हारे पति को भेड़ बना देगा और तुम सातों मिलकर उसे मार देना, बस कहानी खत्म हो जाएगी और तुम सातों बच जाओगे। सातों रानियां तैयार हो जाती है। वह सातों रानियां साधु की बात मान लेती है।
और जादुई कील लेकर महल आती है। वह सातों रानियां आपस में विचार करती हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम सबसे छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वह छह रानियां मिलकर जादू वाला कील छोटे रानी को दे देती हैं और कहती हैं, ये लो तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सिर में यह कील ठोक देना। छोटी रानी कहती है कि ठीक है। वह कील छोटी वाली रानी ले लेती है। जब राजा ने उन सातों रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि पहले तुम यहीं रुको, पहले मुझे यह बताओ कि हमारे राजमहल में और हम में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को साधु के पास जाती हो, इसका क्या कारण है, पहले तुम मुझे बताओ। तो सातों रानियां हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमें लगता है कि वह साधु बाबा हम पे जादू टोना कर दिया था जिसके कारण हमसे ऐसी गलती हो गई, आइंदा ऐसी गलती अब से कभी नहीं होगी। छोटी रानी की ऐसी बातें सुनकर राजा उनकी बात मान लेता है क्योंकि वह राजा छोटी रानी से बहुत प्रेम करता था। वह राजा भी सोचने लगता है कि शायद उस बाबा ने ही इन पर कोई जादू टोना किया होगा। राजा अपनी सातों पत्नियों को माफ कर देता है और कहता है कि ठीक है तुम अपने अपने रूम में चली जाओ। उनकी छोटी रानी जिससे वह राजकुमार बहुत प्रेम करता था, सबसे छोटी रानी राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वह राजा सो गया तो वह छह रानियां भी वहीं आ जाती है। सबसे छोटी रानी जो थी वह जादुई कील निकालती है और राजा के सर में ठोक देती है। छोटी रानी ने जैसे ही कील ठोका राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन उतने समय में वो भेड़िया बन चुका था। अब उस राजा में उतनी शक्तियाँ नहीं थी कि उन रानियों का मुकाबला कर सके। वह सातों रानियां उन राजा को मारने के लिए पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारा, अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हे गुरुजी मुझे माफ कीजिए, मेरा जान बचाइए, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि हे बेटा मैंने तुमसे कहा था कि तुम तिरिया चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है, अब सीखो तिरिया चरित्र, देखा इसका नतीजा। गुरुदेव मुझे माफ कर दो, जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मेरी ही पत्नी ने मेरे सिर में जादुई कील ठोक दी है जिसकी वजह से मैं भेड़ बन चुका हूँ। गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये वही कील है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका कर्तव्य है मेरी जान बचाने का। तब गुरु कहते हैं कि ठीक है बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता लेकिन एक उपाय है। राजकुमार कहता है क्या गुरुदेव। वह गुरु कहते हैं कि हम तुम्हें तोता बना देंगे और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवान राजा के राज्य में चले जाना और वहीं जाकर रहना, क्योंकि सुखवान राजा के राज में उस साधु का जादू नहीं चलता है। वह राजकुमार कहता है ठीक है गुरुवर आप हमें तोता बना दीजिए। वह गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और तोता बनने के बाद वह वहां से उड़ा और सुखवान राजा के राज्य में चला गया जहां पे बहुत सारे तोता रहते थे, वहीं पर जाकर रहने लगा। और इधर वह सातों रानियां उस राजकुमार को खोज रही थी। जब राजकुमार नहीं मिला तो वह फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी वह राजकुमार तो भाग चुका है, आप अपनी पोटली निकालिए और देखिए कि वह कहाँ है। वह महात्मा अपनी पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वह राजकुमार तोता बन के सुखवान राजा के राज्य में जाकर रह रहा है। वह साधु ये सारी बात रानियों को बताता है तो रानियां कहती है कि हे स्वामी अब क्या करें। वह साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर के घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़ के लाएगा हम उसे 10 सोने के सिक्के देंगे। रानियां अपनी महल पहुंचते हैं, वहां पे घोषणा कर देती है कि सारी बहेलिया से कह दो तोता पकड़ के लाएगा हम उसे 10 सोने के सिक्के देंगे। उस राज्य के जितने तोता पकड़ने वाले बहेलिया थे उस राज्य के चारों तरफ घूमने लगते हैं और जो भी तोता पकड़ते लेकर के रानी के पास जाते, 10 सिक्के रानी से लेते और वहां से चले जाते। सातों रानियां उस तोते को मार देती। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वह राजकुमार जो तोता बन के जहाँ गया था वहाँ सारे तोताओं से बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें बताता था। तो सारे तोता को लगा कि यह तोता तो बहुत समझदार है, यह तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, इसे हम अपना राजा बना लेते हैं। सभी तोता मिलकर के उसे राजा बना लेते हैं। वह राजकुमार सभी तोताओं का राजा बन जाते हैं और वहीं छुप के रहने लगता है।
एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखवाल राजा के राज्य में पहुंच जाता है और उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है जहां की वह राजकुमार तोता बनकर छुपकर रहता था। जब उस बहेलिये ने इतने सारे तोते को देखा तो उसने अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया सोचता है कि मैं इतने सारे तोताओं को कैसे पकड़ूंगा। जिस पेड़ पर वो तोता रहते थे वह पेड़ लस्सा वाला था। जैसे ही सुबह हुआ उस पेड़ से सारे तोते उड़कर दाना पानी के लिए बाहर चले जाते हैं और इधर बहेलिया क्या करता है, अपने चाकू से पेड़ पर चारों तरफ कट लगा देता है जिससे कि पेड़ से बहुत सारे लस्सा निकल आते हैं। पेड़ के चारों तरफ लस्सा ही लस्सा निकल आते हैं। बहेलिया सोचता है कि जब भी वह सारे तोता आएंगे और जब पेड़ पर बैठेंगे तो सभी इस पेड़ पर चिपक जाएंगे और मैं आसानी से उन्हें पकड़कर लेकर चला जाऊंगा। बहेलिया वहीं चिपक करके देखने लगा। जब शाम हुआ सारे तोते वापस आए और वह तोते जैसे ही उस पेड़ पर बैठे सभी का पेड़ उस पेड़ पर चिपक गया क्योंकि पूरे पेड़ में लस्सा ही लस्सा लगा हुआ था। अब तो सारे तोते परेशान हो गए, उसमें राजकुमार भी जो तोता बना हुआ था वो भी चिपक गया था। सारे तोते राजकुमार से कहते हैं, क्योंकि सारे तोते राजकुमार को अपना गुरु माने थे, वह कहता है कि आप कुछ भी सोचो और हम सबको यहाँ से बाहर निकालो, नहीं तो सुबह तक वो बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर लेकर चला जाएगा। वह राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता न करो, जब वह सुबह बहेलिया आएगा तो तुम सभी ऐसा करना कि उस बहेलिया को लगे कि सारे तोते मर चुके हैं और जब वो सभी तोते को पैर से छुड़ाकर नीचे फेंक दे तो सभी उड़कर भाग जाना। सभी तोता कहते हैं कि ठीक है गुरुदेव। जैसे ही बहेलिया उस पेड़ के पास पहुंचे तो सभी तोता ऐसे लटके हुए थे जैसे कि वो मरे हुए हैं। जब बहेलिया ने उन तोतों को देखा तो सोचा कि अरे ये क्या हो गया, ये सभी तो मर गए, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेगा। फिर बहेलिया ने सोचा कि चलो अब इन्हें छुड़ा ही देते हैं, इतना तो उपकार इन पे कर ही सकते हैं। बहेलिया पेड़ पर चढ़ा और उनको छुड़ा छुड़ा कर नीचे फेंकने लगा। बहेलिया ने सभी तोते को तो छुड़ा कर नीचे फेंक दिया लेकिन जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वो वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उड़कर भाग गया। बहेलिया ने सोचा अरे ये क्या हुआ, इस पर तो एक ही तोता है जो कि मरा हुआ लटका है और जितने तोते को छुड़ाकर मैंने नीचे फेंका वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा इसका मतलब इस सारे तोताओं ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब वह जो राजकुमार था वही सिर्फ पेड़ पर लटका हुआ था। वह बहेलिया कहता है कि यह सब तुम्हारी चाल है, चलो अब मैं तुम्हें ले जाऊंगा और रानी के हाथों बेच दूंगा और मुझे उनसे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और अब वो बहेलिया वो तोता को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। रास्ते में वह तोता कहता है, जो कि राजकुमार था, वह बहेलिया से कहता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तो वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें वहाँ बेचूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। तोता कहता है कि अगर मैं तुम्हें 10,000 सोने के सिक्के दिलाऊं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे। बहेलिया कहता है तुम्हें बेचना तो है ही, लेकिन तुम मुझे 10,000 सोने के सिक्के कैसे दिलाएगा। तोता कहता है कि राजा सुखवान के यहाँ एक बड़ी मेला लगती है, तुम मुझे वहीं बेच दो, मोल में स्वयं बताऊंगा। वह बहेलिया पैसे की लालच में उस तोते की बात मान लेता है और रानी के पास बेचने की बजाय और राजा सुखवाल के यहाँ उसके मेले में तोते को बेचने चला जाता है। और सुखवाल राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति के सामान शाम तक ना बिके तो वह राजा स्वयं आकर उसे खरीद लेता था। वह बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा हुआ था। जब भी कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने आता तो वह पूछता कि यह कितने का है, तो बहेलिया कहता कि तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वह तोता अपना दाम इतना बता देता कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गया। अब शाम हो गया था, सभी अपने अपने दुकानें लेकर चले गए, सभी का दुकान उठ गया था, बस एक वह बहेलिया और एक तोता ही रह गया था। इधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि जाओ देख कर आओ कि क्या किसी का सामान तो नहीं रह गया है। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोता को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलियों से कहते हैं कि है बहेलिया, तुम्हारा ये तोता क्यों नहीं बिका, तुम इसे कितने में बेच रहे हो। तो वह तोता कहता है कि जो इन्हें 10,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वह सिपाही आश्चर्य में पड़ जाता है। वह सोचता है कि अरे यह तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह सिपाही राजा के पास जाते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि एक बहेलिया अपना एक तोता लेकर बैठा हुआ है,
लेकिन वह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। वह इतना महंगा बताता है, शायद इसीलिए उसे कोई खरीद ना सका। राजा उस सिपाही से पूछता है कि वह तोता अपना मूल्य कितना बताता है, तो सिपाही कहते हैं कि वह अपना मूल्य 10,000 सोने के सिक्के बता रहा है। राजा कहता है कि चलिए मैं स्वयं चलकर वह तोता खरीदूंगा, अगर मैं उसका तोता नहीं खरीदूंगा तो हमारा बदनामी होगी। कि राजा के बाजार में वह तोता नहीं बिका और वह नाराज होकर चला गया। राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने रथ में सवार होकर बाजार चला जाता है और जाकर बहेलिया से कहता है कि बहेलिया इसका क्या मोल है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब अपना मोल तोता स्वयं बताएगा। वह राजा फिर तोते से पूछा, फिर तोता कहता है कि राजा साहब जो इन्हें 10,000 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। राजा अपने सिपाहियों से 10,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और बहेलियों को पकड़ा देता है और तोता को लेकर अपने महल चला जाता है। वह तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह राजा था। वह तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पे कोई खतरा आने वाला होता तब भी वह तोता बता देता कि राजा साहब आप पे एक खतरा आने वाला है। राजा भी उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं। जब यह बात रानियों को पता लगी कि राजा एक ऐसे तोता को लेकर आए हैं जो कि तोता बोलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता है, तो रानियां राजा से कहती है कि उस तोता को मेरे पास भिजवा दीजिए, हम भी उस तोता को देखना चाहते हैं, हम भी उस तोता से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कह के वह तोता अपने रानियों के पास भिजवा देता है। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। वह रानी भी तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि वाह रे तोता, इसीलिए तुझे राजा साहब ने 10,000 सोने के सिक्के देकर खरीदा है। वह रानी की एक पुत्री थी जो कि बड़ा ही सुंदर थी। रानी अपने पुत्री से कहती है आज से तू भी इस तोते का ध्यान रखोगी और इसे तुम कल अच्छे से धोकर नहा देना। वह राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती है। जैसे ही सुबह हुआ राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने जाती है। जब राजकुमारी उसे नहला रही थी तो उसने देखा कि उसके सर में एक कील चुभा हुआ है। राजकुमारी उस कील को निकाल देती है। राजकुमारी जैसे ही कील को निकालती है वह तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी उसे देखकर घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबराओ नहीं, यह कील वापस से मेरे सिर में ठोक दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वह राजकुमारी वह कील राजकुमार के सिर में ठोक देती है। तुरंत ही वह राजकुमार तोता बन जाता है। रात को वह राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से वह कील निकाल देती है। वह तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार अपनी सारी दास्तान उस राजकुमारी को बताता है और कहता है माफ करना, ये दास्तान तुम किसी से बताना नहीं, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। राजकुमारी इसके बारे में अपने माता और पिता से नहीं बताती है। दिन भर समय बीतता तो रात को वह राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती और उसके माथे से कील निकाल देती। वह राजकुमार बन जाता और रात में वह दोनों साथ में ही रहते। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। राजकुमारी को उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। और इधर क्या हुआ, जो राजकुमार की पत्नियां थी वह बहुत सारे तोते खुजवा खुजवा कर मरवा देती, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वह उन्हें नहीं मिलता है। फिर वह सातों रानियां उसी साधु के पास जाती है और कहती है कि हे महात्मा, हमारे पति तो अभी तक हमें नहीं मिले, हम अब क्या करें, उन्हें कैसे मारे। वह साधु फिर से अपनी जादुई पोटली खोली और देखता है वह राजकुमार अभी तक तोता बन के उसी राजा के घर में रह रहा है। वह साधु उन सातों रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो, तुम नृत्य कला सीखो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर में नृत्य कला करने जाएंगे और राजा हम पे प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने को कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। धीरे धीरे समय बीता, साधु तबला बजाता और सातों रानियां नृत्य कला सीखती। वह अब पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लगा कि अब हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वह साधु भेष बदल करके उन सातों रानियों को निपुण कला वाली स्त्री बना के राजा सुकवान के दरबार में पहुँच गया। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन है, यहाँ क्यों आए हैं। वह साधु कहता है कि हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला दिखाना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। राजा सुकवान को भी गाने बजाने का बहुत शौक था, वह मान जाते हैं। उधर वह साधु अपना गाना बजाना चालू करता है। जब उनकी गाने बजाने की आवाज तोते के कान में पहुंची तो तोता समझ गया कि वह साधु हमारे सातों रानियों को लेकर भेष बदल कर यहाँ पर आ गया है, अब हमारी जान नहीं बचेगी। जब रात हुआ तो राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है, उस तोते के सिर से कील निकालती है और वह तोता राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी से बताता है, कहता है कि देखो
जो ये गाने बजाने वाले आए हैं ये वही साधु है। यह गाने बजाने से राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और ले जाकर मुझे मार देगा। वह राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा बोले तोता को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना, जब राजा स्वयं ही मुझे लेने आए तब भी तुम मुझे मत देना, कह देना कि मैं इस तोते को नहीं दूंगी, और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करे और मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरे को फेंक देना, उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। तब राजकुमारी कहती है कि ठीक है। वहाँ पूरी रात गाना बजाना हुआ तो राजा प्रसन्न होकर साधु से कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। वह साधु कहता है कि आपके पास जो तोता है, जो आप कुछ दिनों पहले ही खरीदे हैं, वह तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है कि ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। वह मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दे दो। राजकुमारी कहती है नहीं, मैं तोते को नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए आप जिद मत करिए। राजकुमारी कहती है कि तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहाँ भेज दो, वह आकर इसे ले जाएंगे। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं ही आता है उस तोते को लेने के लिए। वह राजा जाकर कहता है कि बेटी यह तोता मुझे दे दो, यह नृत्य कला वाले को देना है जो रात भर गाना बजाना किए हैं, ये उन्हें ही देना है। वह राजकुमारी कहती है कि पिताजी यह तोता मैं नहीं दूंगी। राजा क्रोध में आकर कहने लगा कि बेटी ये कैसी बातें कर रही हो, इसे देने का मैंने वचन दिया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी ने गुस्से में पिंजरे को जमीन में फेंक देती है। जैसा कि राजकुमार ने उसे कहा था, वह पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा वह टूट गया और वह तोता जो था वह सरसों का दाना बन गया। यह देखते ही साधु तुरंत एक कबूतर बन जाता है और उस दाना को चुनने लगता है। उसमें से जो एक दाना था वह दाना स्वयं ही राजकुमार था। वह दाना डगर कर एक नाली में चला जाता है। जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है वह दाना एक बाज बन जाता है और एकदम से कबूतर पर झपटता है और उसे मार देता है। इस तरह से वह साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा यह सब देखकर एकदम ही आश्चर्यचकित हो जाता है। वह बाज उस कबूतर को मारकर फिर से एक तोता बन जाता है और जो राजकुमारी थी उस तोते से किल निकाल देती है और वह फिर से पहले जैसा राजकुमार बन जाता है। वह राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बता देती है। वह राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूँ और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। वह राजा अपने पुत्री से पूछता है कि बेटी क्या तुम इनसे विवाह करना चाहती हो। राजकुमारी कहती है कि हाँ पिताजी, मैं इनसे प्रेम करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। और जो उसकी 7 पत्नियाँ थी वह उनको पकड़वा कर अपने राजगृह में बंद करवा देती है और वह राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की यह कहानी, और साथ ही हमें सपोर्ट करना और अंत तक इस कहानी में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कई और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।